अगर तुमने x का वैल्यू 5 से ग्रेटर लिया तो f ऑफ x क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ना निगेटिव कब होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ एक्स को जीरो के लेस देन जीरो कर दिया तो एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज लेस देन फाइव हो गया। इसका मतलब कि जब एक्स पाँच से छोटा होगा तो एक्स माइनस पाँच जीरो से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो एफ एक्स है एक्स माइनस फाइव है, ये भी जीरो से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। ये एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन फाइव। ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव। अब हम साइन स्कीम लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिखा, फाइव लिखा, या हमने बोल दिया एफ एक्स को पॉजिटिव बोल दिया, या हमने एफ एक्स को निगेटिव बोल दिया, और इस फाइव पर एफ एक्स हमारा जीरो हो गया। फाइनली अगर मुझे साइन लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, एफ एक्स is greater than zero for all x belongs to, पाँच से बड़ा, पाँच भी नहीं है तो फाइव टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एट x इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब मैं लिखूंगा एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू फाइव। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने वैल्यूज पर पॉजिटिव है, कितने वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन x माइनस फाइव पॉजिटिव है, तो वो तो यहाँ दिख रहा है किसमें, तो इन्फाइनाइट रियल नंबर्स है, तो इन्फाइनाइट रियल नंबर्स पे ये f ऑफ x क्या हमारा पॉजिटिव है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो f ऑफ x है, ये जो एक्सप्रेशन x में, ये कितने वैल्यूज पर निगेटिव है, तो यहाँ भी दिख रहा है इन्फाइनाइट वैल्यूज पर निगेटिव है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये जीरो कितने वैल्यूज पर है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू पर जीरो है, वो वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है, काफ़ी यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, जनरल केस ले लेते हैं, ये जनरल केस ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं। फॉर जनरल केस लीनियर फंक्शन के लिए, जैसे हमने क्या लिया, साइन ऑफ या साइन स्कीम लिख लो, साइन स्कीम ऑफ एक्स माइनस एल्फा। एक्स माइनस एल्फा को हमने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स, बिकॉज एल्फा तो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर बोलने का मतलब कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसको हमने बोला एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, अब मुझे इसका साइन स्कीम चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ एक्स को पॉजिटिव देखना है तो ग्रेटर कर दिया जीरो से, एक्स माइनस एल्फा ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा। एफ ऑफ एक्स को अगर हमें देखना है कि जीरो कब है, तो एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स माइनस एल्फा को हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू एल्फा। हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स हमारा लेस देन जीरो कब है, तो कोई बात नहीं है, एक्स माइनस एल्फा को हमने लेस देन जीरो किया, एक्स हमें लेस देन एल्फा मिल गया। मतलब क्या हो गया, अगर ये एल्फा है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो। ठीक है ना, अब अगर हमें साइन स्कीम चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो एक ही वैल्यू पर जीरो हो रहा है अल्फा पर। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लो, साइन स्कीम हमें क्या चाहिए, स्कीम ऑफ किसका, मान लो एल्फा माइनस एक्स का चाहिए, तो हमने फिर इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया, एल्फा माइनस एक्स बोल दिया। अब हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एल्फा माइनस एक्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन एल्फा। ठीक है, अब हमने देखा एफ ऑफ एक्स जीरो क्या है, कब है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस एक्स को जीरो किया तो हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। फिर हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स निगेटिव कब है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा माइनस एक्स इज निगेटिव। इसको एक्स को इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। तो बच्चे साइन स्कीम क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो। ठीक है ना, तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, तो फाइनली हम ऐसे लिखेंगे, फाइनली हमने क्या बोला, ऐसे लिखा, फाइनली हमने बोला कि एफ ऑफ एक्स जो होगा,
सॉरी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। अब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप देख लेना, ये जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ ये भी सेम टाइप का है, ये आप देख लेना। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आज दिया था तुम लोगों को, इसमें जब क्लास चल रही थी ना हमारी ऑनलाइन, तो मैंने कुछ क्वाड्रेटिक करके भी एक इनइक्वालिटी दे दिया था। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है 1/(x²-9)। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसका तुम साइन स्कीम बताओ, सॉरी ऐसे नहीं लिखो, सॉरी तुम ऐसे लिखो, एफ एक्स है ना, इसको तुम ले लो, ये इसका भी आ जाएगा साइन स्कीम, बट ये थोड़ा अभी और सोचना पड़ेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी तुम x²-9 ही देखो, इसका मैंने बोला साइन स्कीम बताओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें उन सारे एक्स को खोजना है जिस पर ये x²-9 क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, फिर निगेटिव हो जाए या ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो तो रूट पर होता है, तो रूट तो इसका हमें पता ही है +-3 होगा। तो हमने क्या किया, अभी टाइम बीइंग, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी टाइम बीइंग क्या किया हमने, दोनों रूट को प्लॉट कर दिया, दोनों रूट को प्लॉट कर दिया -3 and 3 रियल नंबर लाइन पे। अब हमारे पास ये जो रियल नंबर है फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, हो गया ना बच्चे, तीन पार्ट्स में डिवाइड। अब हमने क्या किया कि कोई भी एक पार्ट उठाया, ये पार्ट उठाया, इस पार्ट में से कोई भी एक रियल नंबर लिया, जैसे -3 से छोटा एक ले लिया -4, उस -4 को यहाँ डाला, तो क्या हो गया 16-9 पॉजिटिव मिल गया। तो इस पूरे इंटरवल पे ये एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मिलेगा, एक पर भी मिल गया ना, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव ही मिलेगा। फिर आ जाओ 3 से बड़ा कोई ले लो, अगेन ये पॉजिटिव होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। माइनस और 3 और 3 पर तो 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब -3 और 3 तो रूट है। अब इसके बीच का कोई नंबर उठाओ, मान लो 0 ले लिया, तो 0²-9 निगेटिव हो गया, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स निगेटिव हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर मुझे बोला जाए कि साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x²-9, इसका साइन स्कीम लिखो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें ऐसा लिखना होगा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव है, किस इंटरवल पे, एक इस इंटरवल पे, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इस इंटरवल को क्या लिखोगे, -∞ to -3 लेंगे नहीं, तो उस पर ओपन क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज -3 पर तो 0 है ना, -3 तो रूट है ना, यूनियन इस इंटरवल को भी लेना है, तो 3 to ∞, तो ये क्या हो गया 3 to ∞। फिर क्या बोला, एफ ऑफ एक्स 0 कब होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है रूट पर, एट एक्स इज इक्वल टू +-3। और एफ ऑफ एक्स निगेटिव कब होगा, बीच में, तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी हम आंसर लिख सकते हैं, तो ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। ये समझ लो कि जो हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, सेट्स, जो 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, ये बिल्कुल समझो जैसे इंग्लिश सीखने से पहले लैंग्वेज नहीं सीखते, ABCD सीखते हैं। इंग्लिश अगर तुम्हें सेंटेंस या वर्ड पढ़ना है तो पहले उसके लिए ABCD चाहिए होता है ना, उसी तरह से 11th क्लास की मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमें करना क्या होगा, ABCD की तरह, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ABCD है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और बहुत चीज़ों को समझेंगे, बट अभी टाइम बीइंग ये सब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको तुमको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक सेपरेट नोटबुक में लिखो, बहुत ही फ़ायदे में रहोगे। जब जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाता है ना, तो हमें काम क्या देता है, हमारा जो नोट्स होता है खुद का लिखा हुआ, ऐसे तो नेट पर देखोगे तो लाखों नोट्स पड़े हुए हैं, लाखों बुक है, तो उससे थोड़े ना हम पढ़ लेंगे, वो हमारे दिमाग में नहीं ना, तुम हाथ से खुद का लिखा हुआ जो नोट्स होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब नोट्स लिखने का ये नहीं मतलब है कि तुम बिल्कुल से उस पर क्या बोलता हूँ कि नोट लिखने के लिए तुम खूब अच्छी हैंडराइटिंग बना के नोट्स लिख रहे हो। नोट्स का मतलब क्या है कि जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें टीचर्स दे रहे हैं,
चाहे टीचर तुम्हें बाई पीडीएफ दे रहे हैं या टीचर तुम्हें वीडियो लेक्चर में दे रहे हैं या जो भी टीचर तुम्हें क्वेश्चंस करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं, वो एक नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में, डे बाय डे। तो मैंने जितने भी पीडीएफ तुम्हें भेजे हैं, आई होप आपने उसको अपने नोटबुक में एज अ फेयर किया होगा, ठीक है, लिखा होगा। जो क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे पूछता हूँ तुम्हें ऑनलाइन क्लास जब होती है हमारी, तो उस क्वेश्चन को भी आप अपने नोटबुक में लिख रहे होगे, ठीक है। और मेरे वीडियोस को देखो, अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, 1% भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जब वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए ना समझ में, जैसे ये जो हमारा ग्रुप है ना, इसमें क्या होता है कि जब क्लास आपकी होती है तभी आप मैसेज सेंड कर पाते हो, बाकी तो आप मैसेज नहीं सेंड कर पाते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आप शाम के 4 बजे पढ़ रहे हो, तो 4 बजे तो आप सेंड नहीं कर पाओगे ना ग्रुप में मैसेज। तो उसके लिए आप क्या करो कि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कहीं कॉन्सेप्ट में या कहीं कोई डाउट है, तो उस डाउट को एक जगह लिख लिया करो और उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव रख लो, ठीक है। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो पहला काम क्या करो कि पहले वो जितने भी डाउट है ना उसको अपने ग्रुप में सेंड कर दो, तो टीचर के पास अगर टाइम होगा तो इंस्टेंट तुम्हें रिप्लाई दे देंगे, अगर नहीं टाइम होगा तो वो तुम्हें बाद में, या तो तुम्हें वो बाद में रिप्लाई कर देंगे, या तो फिर जो वो टीचर जो पीडीएफ भेजते हैं उस पीडीएफ में वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसी में इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा।